हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। कुछ बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाएंगे बिना इसको रीअरेंज करें। इसमें हमें रीअरेंज करना होगा इक्वेशन को, क्यों? क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, सो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, x² आना चाहिए, वो आ रहा है। सेकंड वाले में x वाली टर्म आनी चाहिए जो कि हमारे पास इसमें थर्ड में आ रही है। तो हम इसको अरेंज करेंगे कैसे, सबसे पहले जो टर्म है वही लिख देंगे क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, x² देन हमें चाहिए x वाली टर्म यानी माइनस 7x एंड देन कॉन्स्टेंट यानी माइनस 3। ओके, सो हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब हमें रीअरेंज वाली इक्वेशन को लेना है। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई, 6 3 18। अब 18 का एलसीएम लेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ओके, अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब हमें ये जो तीन फैक्टर हमारे पास हैं 2 3 3, इनका यूज करके हमें बनाना माइनस 7। अब कैसे बनाएंगे, 3 2 6, 6 में 3 हम नहीं कर सकते, 3 3 9, 9 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको कैसे अरेंज कर रही हूँ, मैं इन दोनों को कर रही हूँ मल्टीप्लाई और देन उसमें से इसको कर दूंगी माइनस। तो 3 3 9, 9 में से 2 को कर दूंगी माइनस। अब मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस 7 कैसे आएगा, जब बड़ी डिजिट के आगे माइनस, यानी मेरे को 9 के आगे माइनस का साइन लगाना होगा और 2 के आगे प्लस का साइन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 6x² माइनस 7 को मैंने स्प्लिट करा था, प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ओके, इस वाली इक्वेशन को हमें देखना है क्योंकि हमारी ये रीअरेंज कर कर आई है। अब हमने इसको माइनस 7x को स्प्लिट कर दिया, प्लस 2x माइनस 9x। अब हम सेम ग्रुप बनाएंगे इन दोनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ। नेक्स्ट कॉमन, तो 2x मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2 3 6 होता है यानी यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ पे 1 क्योंकि 2x तो पूरा बाहर आ गया। माइनस यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ 3 क्योंकि 3 3 9 होता है, 1 3 बच गया, x बच गया और सेम अब वही बाहर माइनस का साइन तो अंदर का साइन चेंज, तो पहले क्या था माइनस तो अब हो जाएगा प्लस 1 क्योंकि 3 कॉमन बाहर आ चुका है। ओके, साइन का इसमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, माइनस का स्पेशली जब माइनस का साइन बाहर हो, तो माइनस का साइन बाहर था इसलिए अंदर का जो पहले माइनस था वो किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। देन हम इनको कॉमन ले लेंगे तो 3x + 1 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, बच गया कितना 2x - 3। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब क्या करेंगे, 3x ये आ जाएगा -1, x आ जाएगा -1/3 क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होते तो 3 नीचे डिवाइड में चला गया और यहाँ पर 2x यहाँ पे -3 है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो +3 और 2 और x मल्टीप्लाई होते तो 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब हमने इसके जीरोस फाइंड आउट कर लिए, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम में स्टेप एक जैसे ही चल रहे हैं, सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट करना है, देन उसके बाद उनके फैक्टर बनाने हैं, फिर उनको जीरो के इक्वल रखना है, फिर अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है, फिर हमारा जीरोज निकल जाएगा जब, तो उसके बाद आप लास्ट में वेरीफाई कर दीजिए। तो सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1/3 हमारा अल्फा है, उसमें प्लस कर देंगे बीटा यानी 3/2 को, जो कि किसके इक्वल होता है, -b/a। अब हमें ये वाला नहीं ये वाला देखना है, तो a कितना है हमारे पास 6, b है हमारे पास -7 और c है हमारे पास -3। ओके, तो -b/a, b कितना है -7, a कितना है 6। अब 3 और 2 का हम यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो -1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 3 3 9
ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6, यानी सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो हमारे पास क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3/2, ये इक्वल होता है c अपॉन में a। तो c हमारे पास कितना है, माइनस 3 अपॉन में a कितना है 6। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 1 3 माइनस है तो इसलिए माइनस लग जाएगा, अपॉन में 3 2 6, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस 3/6 के। यानी हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लिया, तो हमारा रिलेशनशिप भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसका फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, 4u² + 8u। अब आप इसमें बोलोगे इसमें तो हमारे पास 3 टर्म्स है ही नहीं, एक एरी दूसरी एरी तीसरी तो है ही नहीं, तो क्या करोगे इस ऐसे क्वेश्चंस में, आपको ऐसे में यहीं पर ही कॉमन देख लेना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है आपको इसी में अपना जो कॉमन चीज़ें उनको फाइंड आउट कर लेना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो मेरे पास एक तो 4 कॉमन है और u कॉमन है, ठीक है, मेरे पास बच क्या गया, यहाँ पे एक u बच गया और यहाँ पे 4 2 8 होता है, तो 4 तो हमने बाहर ले लिया तो 8 2 बच गया, ठीक है, यानी 4u ब्रैकेट में u+2। अब हमारे पास इधर एक ये फैक्टर है 4u, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, और जो दूसरा है वो है u+2, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे 4 और u मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 4 0 के साथ, तो आंसर 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे y, और यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो -2। तो अल्फा और बीटा हमारे फाइंड आउट हमने कर लिए। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी 0 + -2 किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ पे ए हमारे पास पता है हमें, ए क्या होगा, इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। तो जो स्क्वायर वाली टर्म है, यानी ये यू स्क्वायर जो इसके साथ जो नंबर है वो ए है, बी क्या है जिसके साथ यू है, यानी 8 हमारा बी हो जाएगा, और सी हमें देंगे रखा तो सी हमारा 0 है, तो यानी माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी कितना दे रखा, 8 अपॉन में ए दे रखा 4, तो कितना आ जाएगा ये -2, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 4 2 8, तो यानी -2, तो यानी -2 किसके इक्वल आ गया, -2 के। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी 0 × -2 किसके इक्वल होता है, c अपॉन में a। c कितना है 0, a कितना है 4। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो 0, और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड में हो तो भी 0, तो यानी 0 = 0, यानी वेरीफाई हो चुका है, इस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट, सेम फिफ्थ पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है, t² - 15। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इस क्वेश्चन में मेरे पास कॉमन कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगी, इसको मैं सॉल्व करूंगी, टी को मैं टी स्क्वायर रहने देती हूँ, टी का होल स्क्वायर था तो मैंने टी का स्क्वायर कर दिया। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी लग जाती है, कौन सी, a² - b² = a + b a - b, ये आइडेंटिटी हमारे पास लग जाएगी। तो ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √15 का स्क्वायर, तो यानी a मेरा है t और b मेरा हो गया √15। तो a की जगह मैं लिख सकती हूँ t + √15 और t - √15। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगी, 0 के इक्वल रख दूंगी, t - 15 को भी क्या करूँगी, 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ पे मेरा t आ गया -√15 और यहाँ पे मेरा t आ गया +√15,
क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो इधर जाके माइनस में बन गया, और यहाँ पे माइनस में था तो इधर जाके प्लस में आंसर आ गया। अब मैंने जीरोज इसकी फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए सबसे पहला स्टेप सम ऑफ जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो यानी माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 किसी इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। अगर मैं इसको देखूं तो फर्स्ट टर्म मेरी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो टी स्क्वायर यानी ये वाला हमें दे रखा है, यानी ए कितना दे रखा है, टी के साथ कोई नंबर नहीं है यानी 1। अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल टी है, तो मैं देखूँ तो ये टी स्क्वायर यानी ये ए मेरा हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट है बी एक्स, बी एक्स यानी मैं इसको बी टी भी बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल टी है तो मैंने इसको यहाँ पे टी कर दिया, चलो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल टी कर दिया, अब मैं देखूँ तो मेरे पास बी टी यानी टी वाली कोई टर्म नहीं है, यानी बी मेरे पास है ही नहीं, तो बी हो जाएगा 0। सी क्या है, सी मेरे पास है माइनस 15, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, माइनस बी अपॉन में ए, यानी बी मेरा कितना है 0 अपॉन में ए कितना है मेरे पास 1, तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, 0 इक्वल्स टू 0 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, सी कितना है मेरे पास माइनस 15, अपॉन में ए, ए कितना है मेरे पास 1। अब रूट 15, रूट 15 कितना आ गया 15, और माइनस का साइन था इसलिए माइनस, और एक इसके इक्वल आ गया माइनस 15 के, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। अब इसका सिक्स पार्ट हमें क्या दे रखा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें 3 और 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जै 12, 12 का एलसीएम तो 2 6 जै 12, 2 3 जै 6 एंड 3 1 जै 3। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, अब इसके फैक्टर से हमें कितना बनाना है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो यानी मेरे को माइनस 1 आंसर चाहिए। मैं माइनस 1 कैसे बनाऊँ, मैं इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 जै 4, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो मेरे को इसको किस हिसाब से लिखना पड़ेगा, 4 और ये 3, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन चाहिए और छोटी के आगे तो प्लस ही, तो मेरा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और बड़ी डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस 1। तो इसको हम करते हैं तो 3, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, क्योंकि 3 और 4 हमारे फैक्टर आए थे, हमने देखा था सॉल्व करके, और बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगाना था क्योंकि मुझे माइनस में आंसर चाहिए था। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो यहाँ पे 3 और 1 x कॉमन आ गया, बच कितना गया 1x, और यहाँ पे 1, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, बच कितना गया x, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज, तो पहले माइनस का था प्लस हो जाएगा और 1, ठीक है। अब हमारे ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इन दोनों को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया और 3x माइनस 4 आ गया। अब इनको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस, यहाँ पे माइनस 4 था तो इधर आ गया 4, और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो यानी 4/3, अल्फा और बीटा मेरे निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए कितना है मेरे पास 3, बी कितना है माइनस 1 और सी कितना है माइनस 4। माइनस के साइन को भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भूल लोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए ध्यान से।
अब नेक्स्ट बी अपॉन में ए, तो माइनस बी मेरे पास कितना, माइनस वन अपॉन में ए, ए है मेरे पास थ्री। अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लूँगी तो थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री प्लस फोर, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, फोर में से थ्री जाएगा तो वन अपॉन में थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन में थ्री। ये दोनों हमारे पास सेम आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो माइनस वन मल्टीप्लाई फोर बाय थ्री इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, तो सी मेरे पास कितना है माइनस फोर अपॉन में ए है थ्री, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस फोर बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस फोर बाय थ्री। ये दोनों भी हमारे सेम आ चुके हैं, यानी हमने इसको वेरीफाई भी अब कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लासमेट्स और बाकी अदर स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।